अनुयायियों के नाम पत्र अध्याय 12 पद संख्या 1 से 12 तक। पाठ का मूल वाक्य है ईश्वरीय वरदानों का सदुपयोग। अतः भाइयों, मैं ईश्वर की दया के नाम पर अनुरोध करता हूँ कि आप मन तथा हृदय से उसकी उपासना करें और एक जीवन पवित्र तथा सुग्रह बलि के रूप में अपने को ईश्वर के लिए अर्पित करें। आप इस संसार के अनुकूल ना बने बल्कि सब कुछ नई दृष्टि से देखें और अपना स्वभाव बदल लें। इस प्रकार आप जान जाएंगे कि ईश्वर क्या चाहता है और उसकी दृष्टि में क्या भला सुग्रह तथा सर्वोत्तम है। उस वरदान के अधिकार से जो मुझे प्राप्त हो गया है, मैं आप लोगों में हर एक से यह कहता हूँ, अपने को औचित्य से अधिक महत्व मत दीजिए। ईश्वर द्वारा प्रेरित विश्वास की मात्रा के अनुरूप हर एक को अपने विषय में संतुलित विचार रखना चाहिए। जिस प्रकार हमारे एक शरीर में अनेक अंग हैं और सब अंगों का कार्य एक नहीं होता, उसी प्रकार अनेक होते हुए भी मसीह में एक हैं। हमको प्राप्त अनुग्रह के अनुसार हमारे वरदान भी भिन्न भिन्न होते हैं। हमें भविष्यवाणी का वरदान मिला तो विश्वास के अनुरूप उसका उपयोग करें। सेवा कार्य का वरदान मिला तो सेवा कार्य में लगे रहिए। शिक्षक शिक्षा देने में और उपदेशक उपदेश देने में, दान देने वाला उदार हो, अध्यक्ष कर्मठ हो और परोपकार प्रसन्नचित हो, धार्मिक देव। आप लोगों का प्रेम निष्कपट हो, आप बुराई से घृणा तथा भलाई से प्रेम करें। आप सच्चे भाइयों की तरह एक दूसरे को सच्चे हृदय से प्यार करें और एक दूसरे को अपने से श्रेष्ठ मानें। आप लोग अथक परिश्रम तथा आध्यात्मिक उत्साह से प्रभु की सेवा करें, प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। Came to him, then he began to speak and told them, saying, "Blessed are the poor in the spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they will be comforted. Blessed are the meek, for they will inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Blessed are the merciful, for they will receive mercy. Blessed are the pure in heart, for they will see God. Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when people revile you and persecute you and utter all kinds of evil against you
falsely on account, on my account, rejoice and be glad, for your reward is great in heaven. For in the same way they persecuted the prophets who were before you. The Gospel of Lord Jesus Christ. Praise